दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रोथ ऑफ रोमांटिसिज्म को लेकर दोस्तों बात करेंगे इन डेप्थ। ये टॉपिक को दोस्तों हम कवर करेंगे आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा स्पेशली जो इंग्लिश ऑनर्स है उनके लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज का स्टार्ट हुआ 1798 में, जब एक बहुत बड़ा कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ, जिसको लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ एंड T.S. कॉलरिज ने। दोस्तों, रोमांटिसिज्म का स्टार्ट कैसे हुआ, चलिए इससे बहुत ही अच्छे समझते हैं। दोस्तों, 17 और 18 सेंचुरी के टाइम वो था जब इंग्लैंड में एनलाइटनमेंट का एज स्टार्ट हुआ, एज ऑफ रीज़न। दोस्तों, पहले क्या होता था, अगर हम 15-16 सेंचुरी को देखें, तब इंग्लैंड में एक ऐसा एक सोसाइटी था, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट था कि गॉड ही सब कुछ है, ह्यूमन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, जो गॉड ही सब कुछ है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम अंधविश्वास जो है वो बहुत कुछ था। लेकिन दोस्तों, 17-18 सेंचुरी में इंग्लैंड में एक ऐसा दौर आया जब ह्यूमन को इम्पोर्टेंस देने स्टार्ट हुआ, ह्यूमनिज़म का एक कॉन्सेप्ट आया, जब सोसाइटी ने यह समझा कि ह्यूमन ही सब कुछ है और ह्यूमनिज्म को ऊपर जोर दिया गया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट में इंग्लैंड ने एक ऐसा दौर देखा, इतना डेवलपमेंट इंग्लैंड का हुआ। उस टाइम पे दोस्तों डेवलपमेंट के द्वारा एक अच्छा काम ये हुआ कि सब कुछ रीज़न के ऊपर बेस होने लगा, मतलब अगर कोई भी है तो उसके ऊपर क्वेश्चन होता था और रीज़न के ऊपर सब कुछ बेस था। इसके लिए बहुत सारे इन्वेंशन भी हुआ, बहुत सारे हम देखते हैं कि रिकवरी भी हुआ, नए नए कंट्री का जो इन्वेंट हुआ, जैसे कि अमेरिका का इन्वेंशन हुआ। तब दोस्तों क्या है कि 17-18 सेंचुरी में इंग्लैंड ने एक ऐसा दौर देखा डेवलपमेंट का। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि सभी चीज़ का एक एडवांटेज होता है और एक डिसएडवांटेज होता है। दोस्तों, जब एनलाइटनमेंट का एज आया, तब पूरा सोसाइटी रीज़न और प्रूफ के ऊपर बेस हो गया, मतलब कोई भी है तो रीज़न है, कोई भी है तो प्रूफ दो, तभी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी, और यह दौर में डेवलपमेंट भी हुआ। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा डिसएडवांटेज था कि सोसाइटी में से इमोशंस और फीलिंग्स चला गया, और एक दोस्तों कारण था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के द्वारा लोगों ने लव, जो नेचर के प्रति जो लव था उसको खो दिया, बल्कि नेचर को लोग यूज़ करने लगे। जितना डेवलप लोग हो रहे थे, उतना नेचर को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। नेचर के प्रति जो एक अफेक्शन था, एक लव था, वो कहीं ना कहीं खो गया, जिसके द्वारा नेचर डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये दोस्तों, जब बहुत सारे पोएट ने ये देखा, बहुत सारे लेखक, हमारे सोसाइटी के बहुत सारे लेखक ऐसे थे जिन्होंने देखा कि हमारे सोसाइटी में से जो लव है, जो नेचर के प्रति जो लव है, जो इमोशंस, जो फीलिंग्स है, वो कहीं ना कहीं पूरा हट गया। सब कुछ इंडस्ट्रियलाइज हो गया, सब कुछ पैसा हो गया, सब कुछ डेवलपमेंट हो गया, फीलिंग्स, इमोशन, पैशंस ख़त्म हो गया। तब दोस्तों कुछ पोएट ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि फिर से इस दुनिया में जो फीलिंग्स है, जो इमोशन है, जो लव फॉर नेचर है, उसको लाना चाहिए। तभी दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पोएट सामने आए, जिनका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ एंड T.S. कॉलरिज, इन्हें दोस्तों दोनों ने मिलकर एक ऐसा कलेक्शन को लिखा जिसका नाम था लिरिकल बैलेंस। दोस्तों, ये कुछ पोएम्स का, बहुत सारे पोएम्स का कलेक्शन था। जब ये 1798 में पब्लिश हुआ, तब इंग्लैंड में रोमांटिसिज्म का स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये सभी पोएम रोमांटिक थीम के ऊपर बेस्ड था। अब दोस्तों, रोमांटिक का मतलब ये नहीं कि ये कोई मतलब मेल और फीमेल में रोमांस था, ये रोमांस था दोस्तों लव फॉर नेचर, नेचर के प्रति जो अफेक्शन था, जो लव था, वही था रोमांटिसिज्म का मेन थीम। जब दोस्तों 1798 में जब ये कलेक्शन पब्लिश हुआ, तब पूरा इंग्लैंड को पता चला कि रोमांटिक जो लिटरेचर है वो क्या होता है। उसके बाद दोस्तों एक से बढ़कर एक पोएट ने रोमांटिक लिटरेचर, रोमांटिक पोएट्री, रोमांटिक नॉवेल लिखना स्टार्ट किया। दोस्तों, ये था हिस्ट्री ग्रोथ ऑफ रोमांटिसिज्म की, रोमांटिसिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स जो उस टाइम पे थे, उनका नाम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जिन्होंने रोमांटिसिज्म का स्टार्ट किया वो है विलियम वर्ड्सवर्थ और T.S. कॉलरिज। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पोएट आते हैं, उनका नाम है विलियम ब्लेक। उसके बाद दोस्तों वाल्टर स्कॉट। ये चार दोस्तों बहुत ही बेहतरीन पोएट थे रोमांटिक एरिया में। और रोमांटिक एरा दोस्तों एक ऐसा
एक एरा था जिसने फिर से इमोशन, पैशन और जो अफेक्शन था उसको जन्म दिया था और एक न्यू एज का शुरुआत किया था। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो का एंड होता है। मैं आशा करता हूँ आपको रोमांटिक एज के बारे में कंप्लीट पता चल गया होगा। दोस्तों मैंने आज ही रोमांटिक पोएट्री का फीचर्स और कैरेक्टर्स के ऊपर एक वीडियो किया, अगर आप वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको पूरा रोमांटिक जो एज है वो पोएट्री से जुड़ा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने, गुड बाय, अच्छी रहे, स्वस्थ रहिए।